हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर वंशी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी एवेंजर्स मूवी के बारे में और जानेंगे इस मूवी के कास्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, अवार्ड्स, सीक्वल्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दी एवेंजर्स मूवी 2012 में आई हुई एक सुपर हीरो मूवी है। ये मूवी MCU का एक हिस्सा है। इस मूवी के डायरेक्टर थे जोस व्हीडन और इस मूवी में एलन सिल्वेस्ट्री ने म्यूजिक दिया था। प्रोडक्शन की बात करें तो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे केविन फाइगी और इसे मार्वल स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया था। ये मूवी 27 अप्रैल 2012 में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कास्ट की बात करें तो इस मूवी में हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, मार्क रफलो, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट जोहानसन, जेरेमी रेनर, सैमुअल एल जैक्सन, टॉम हिडलसन, कोबी स्टेलान स्कार्ट्सगार्ड जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे। अब अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बजट था 220 मिलियन और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 1.5 बिलियन डॉलर की कमाई की थी। अगर इंडियन करेंसी में इसे कन्वर्ट किया जाए तो इस मूवी का बजट निकलता है 1600 करोड़ रुपये और इस मूवी ने 11251 करोड़ रुपये पूरे दुनिया भर से कमाई की थी। अगर IMDb पे इसकी रेटिंग देखी जाए तो इसे 8 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर अवार्ड्स पे ध्यान दें तो इस मूवी को टोटल 74 नॉमिनेशन मिले थे जिसमें से इस मूवी ने टोटल 21 अवार्ड्स को अपने नाम किया। अब आते हैं इसके सीक्वल्स पे। तो इस मूवी के 3 और सीक्वल्स आ चुके हैं जिसमें से एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 में, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 में और एवेंजर्स इंडगेम 2019 में आई हुई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।